हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके पास एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग व्यू का जो हैक वर्जन है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब जो पेड वर्जन है हम उसे आज फ्री में यूज़ करेंगे। और मैं बताऊँगा कि मल्टीपल स्क्रीन कैसे आप मतलब ओपन कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर में। ना किसी जीरोधा अकाउंट होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए, मैं सिर्फ ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर में बताऊँगा। और चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये गाइस ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है, ये बिना हैक वाला अकाउंट है। तो इसमें हम मल्टीपल स्क्रीन ओपन करके देखते हैं हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे गाइस 30 डे का फ्री ट्रायल बोल रहा है, मतलब नहीं हो रही है। तो इसको हमने कुछ नहीं करना, यहाँ से काट देना है। और अब हमें एक ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपने हैक वर्जन यूज़ करना है। तो यहाँ पे गाइस आपने क्या लिखना है, VIVALDI और ब्राउज़र यहाँ पर लिख के सर्च करना है। तो गाइस जैसे आप ये लिखेंगे तो ये सेकंड वाली ऑप्शन है, ये देखिए। तो इस पे आपने क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप में, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है गाइस। तो मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, ये इसका लोगो है। और चलिए गाइस डेस्कटॉप, अगर डेस्कटॉप पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस कुछ ऐसा लोगो होगा। तो इसको यहाँ से आपने ओपन करना है सिंपल सा। और अगर गाइज आपको ब्राउज़र डाउनलोड करने में किसी भी तरह का इशू है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। तो ये गाइज ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपने सिंपल से लिखना है ट्रेडिंग व्यू। तो ये गाइस फर्स्ट वाली ऑप्शन है, यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। तो ये गाइस ट्रेडिंग व्यू अकाउंट ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी किसी भी जीमेल आईडी से साइन अप कर लेना है, या लॉगिन कर लेना है, या फेसबुक से लॉगिन करना है, किसी भी तरीके से इसमें लॉगिन कर लेना है ट्रेडिंग व्यू में। सेम टू सेम वही सॉफ्टवेयर है, पर ये हैक वर्जन है क्योंकि हम ब्राउजर दूसरा यूज कर रहे हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ से हम निफ्टी का चार्ट खोल लेंगे, यहाँ पे निफ्टी या किसी भी कंपनी का चार्ट खोल लेंगे। यहाँ से फुल फीचर चार्ट करना है आपने, ये देखिए गाइस। ये ऐसा गाइस खुलेगा आपका। तो यहाँ से गाइस यहाँ पे हमने क्या करना है, टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेंगे 5 मिनट। ये 5 मिनट का हो गया। फिर गाइज यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और आपने क्या करना है, क्लोन टैब की ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है क्लोन टैब की, इस पे आपने प्रेस करना है। क्लोन टैब पे प्रेस करना है, फिर एक और स्क्रीन खुल जाएगी। फिर उसके बाद फिर क्लोन टैब पे प्रेस करना है, फिर एक और स्क्रीन खुल जाएगी। फिर क्लोन टैब पे प्रेस करना है, फिर एक और खुल जाएगी। फिर क्लोन टैब पे प्रेस करना है, एक और खुल जाएगी। फिर क्लोन टैब पे प्रेस करना है। तो ये गाइज 1 2 3 4 5 6 स्क्रीन हो गई है हमारे पास जो ओपन है। और इसका जो टाइम फ्रेम है वो हम बाद में चेंज कर लेंगे जब हमारे मतलब 6 स्क्रीन खुल जाएंगी, ठीक है गाइज। तो इसके बाद क्या करना है, आपने ये कर्सर को यहाँ पे लेके आ जाना है ऊपर, ऊपर वाली जो गाइज रो है उस पर लेके आ जाना है। और यहाँ पे आपने प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, और जो माउस जो लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन होता है उसको प्रेस करना है यहाँ पे टैब ले जाके, ठीक है गाइज। ये ले आए, फिर शिफ्ट शिफ्ट दबा के फिर यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए गाइज मतलब येलो येलो अंडरलाइन हो जा रहा है। तो ये सारे शिफ्ट दबा के और माउस से हम ये सारे सेलेक्ट कर लेंगे, 6 के 6 जो स्क्रीन्स है, ठीक है गाइस। शिफ्ट दबाना है और यहाँ से जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है गाइस, राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आ जाना है, ये टाइल 6 टैब कर देंगे, ठीक है गाइस। जैसे हम टाइल 6 टैब करेंगे तो ये हमारे पास 6 स्क्रीन ओपन हो जाएंगी, ठीक है गाइस। ये छवीं इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने टाइम सेम रखा गाइस,
ये देखिए ये भी आ गई, ठीक है गाइस। तो ये छह स्क्रीन ऐसे ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे गाइस ये पांच, ये जो फर्स्ट वाला चार्ट है ये देखो, ये 5 मिनट का है, ये 1 डे का है। और यहाँ पे इसका जो थर्ड वाला है इसको हम चेंज कर देते हैं, 15 सेकंड कर देते हैं। ये कोई भी टाइम ले लो गाइस, यहाँ पे 15 मिनट की जगह ले लो आप, 30 मिनट ले लो। 30 मिनट में खुल गया। फोर्थ वाला है इसको 45 मिनट कर देते हैं। इसके बाद इसको 1 आवर कर देते हैं और इसके बाद इसको 2 आवर कर देते हैं। तो गाइस ऐसे आप भी कर सकते हो, 6 स्क्रीन एक साथ देख सकते हो, 6 चार्ट देख सकते हो, अलग अलग कंपनी के देख सकते हो। ये मैंने सिर्फ निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसके खोले हुए हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हो गाइस। तो इस ये 6 स्क्रीन मैंने आपको दिखा दी, इसके बाद मैं 4 स्क्रीन दिखाता हूँ करके वो कैसे करनी है, वो भी सेम प्रोसेस है। इसके बाद हम इसको काट देंगे गाइस। किसी भी तरह का गाइस कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। या आपको अगर कुछ नहीं समझ आया तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर दूंगा। तो गाइस हमने पहले देखे थे 6 चार्ट कैसे ओपन करने हैं, उसके बाद हम देखेंगे 4 चार्ट कैसे ओपन करने हैं, ठीक है गाइस। ये अपोलो टायर का चार्ट खोल लिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे जाना है ऊपर, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर आपने क्या करना है गाइस, क्लोन टैब पे जो सेकंड ऑप्शन है, क्लोन टैब, क्लोन टैब, ठीक है गाइस। इस बार टाइम फ्रेम हम पहले ही चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 5 मिनट ले लेंगे। नेक्स्ट में हम ले लेंगे 15 मिनट। तो वीडियो गाइस थोड़ी लंबी हो रही है तो आप स्किप करके देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो आराम से देखें, स्लो करके देखें। तो ये गाइस चार बार हमने ओपन कर लिया चार्ट। इसके बाद क्या करना है गाइस, सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद क्या करना है, शिफ्ट दबा के जो आपके माउस में लेफ्ट में बटन होता है वो क्लिक करना है, शिफ्ट और बटन, फिर शिफ्ट बटन, शिफ्ट दबा के मतलब माउस से प्रेस करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है गाइस। और इसके बाद क्या करना है, राइट क्लिक करना है, टाइल फोर टैब इस पर क्लिक करना है, देन 4 स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये देखिए गाइस यहाँ पे 4 स्क्रीन ओपन होगी, अलग अलग टाइम फ्रेम भी है। ये देखिए गाइस 5 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट एंड 45 मिनट, ठीक है गाइस। तो ऐसे आप भी ओपन कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर